मम्मी जा रही है अकेले? तो दोस्तों दो मिनट रुकिए, हम नहा के आते फिर साथ में चलते हैं। डबल मास्क लगाया आपने? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इस दिन सैटरडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी आपने देखा कि मम्मी कहीं बाहर जा रही थी। तो एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा फुंसी हो गया है बॉडी में, जो फोड़े होते हैं ना वो वाले, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे पेन कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो मम्मी उस वही दवाई लेने के लिए गई हैं। मौसा जी मेरे डॉक्टर हैं तो उनसे पूछा था, तो उन्होंने जो दवाई सजेस्ट की है वो लेने के लिए गई हैं। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं तुम मत जाओ, वैसे भी मेरा ऑफिस चल रहा है, मैंने लॉग इन किया हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ। तो मम्मी जब आती हैं फिर मैं दवाई खाऊँगी। और दोस्तों ये मम्मी जो गई थी ना शॉप मेरी दवाई लेने के लिए, तो वहीं का मम्मी ने थोड़ा सा शूट किया है। गुड जॉब मम्मी। ये ब्रेन टैंक तो गैस वाली है, ब्रेन टैंक गैस वाली है भैया। फिट लाओ। हाँ और ये सब किसे बना लेने, खीरा और तरबूज तो चलेगी एक टक्कर में। इसमें से दर्द की दवाई कौन सी पहले? दर्द बहुत तेज हो रहा है, वो वाला तो पहले यार डोलो। ठीक है। और मैं दोस्तों यहाँ पे देखिए नहा के आ गई हूँ और ये लैपटॉप मेरा ऑन है, मैं काम कर रही हूँ, चाय बना ली है, चाय पी लेते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों बना ली है हमने अपने और मम्मी के लिए चाय गर्मा गर्म, और साथ में ये बिस्किट और दाल मोट। मम्मी चाय राखल छो, जल्दी आ जाओ ठंडी हो जाएगी। खुशी थोड़ा मैं चश्मा दे दो बैग में से, बैग में है। और ये बिस्किट मोंजुलिका भूल भुलैया बहुत अच्छी मूवी। अच्छा तो क्या करें, ये बिस्किट लेना है किसी को? तो दोस्तों बस यहाँ पे इस तरीके से हम लोग चाय पी रहे थे। अब आप देखिए हमारा कल का व्लॉग, जैसा कि ये आज का हमारा ये हेडलाइन है परवल की मिठाई, तो ये हमने कैसे बनाया था वो आप कल के व्लॉग में देखिए, जो मैंने फ्राइडे को शूट किया था लेकिन मैं लगा नहीं पाई थी, तो अब नेक्स्ट क्लिप में आप वो देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज देखिए आज हमारे यहाँ बन रहा है परवल की मिठाई, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी ये रेसिपी शेयर करते हैं जो कि मम्मी बना रही हैं। तो बस मेरे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि मम्मी कैसे बना रही है। यहाँ देखिए दोस्तों परवल की मिठाई बनाने के लिए ये जो परवल है उसको अच्छे से छील के काट के, मम्मी ये खोल के दिखाइए, ये देखिए इस परवल को अच्छी तरीके से छील लिया गया है और इसके अंदर जो भी बीज वगैरह होता है सब हटा दिया गया है। और यहाँ देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या है मम्मी? घर का बनाया हुआ खोआ है। ये घर का बनाया हुआ खोया है, आधे लीटर दूध का है। क्या मम्मी? उसके बाद आधा लीटर दूध था, तो उस आधे लीटर दूध को मैंने क्या किया, तो कढ़ाई में खूब करके चला करके उसको जो है वो खोया बना लिया। एंड देखिए दोस्तों हम सब ने गैस वैस आज मैंने बाहर निकाली है, मैंने कहा अच्छे से लाइट वगैरह होगा, और उसी में खोया दूध जलाते समय ही मैंने उसमें चीनी भी डाल दिया था। ये देखिए एकदम बिल्कुल तैयार है खोया, इसमें चिरौंजी इलायची ये मैंने डाल दिया है। अब क्या किया, तो सबसे पहले परवल ले लिया, परवल को ऐसे करके छील लिया है छिलनी से, हाँ ऐसे करके सारे परवल को जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है वो मैंने छील लिया है, और उसमें से सारे बीज को ऐसे चाकू से खोद खोद करके, ऐसे चाकू से खोद करके सारे बीज को निकाल करके रख लिया, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ है। और इसको साफ करके धुल करके यहाँ पे रख लिए हैं। अब 10-12 परवल है, इसके लिए इतना चीनी मैंने इसमें डाल दिया है, और क्योंकि ये चाशनी थोड़ा सा गाढ़ा रहता है इसलिए पानी कम ही डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इसको चाशनी बना लेंगे। मम्मी वैसे मम्मी ये बताइए कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। अभी बताएंगे सबको जब बनाएंगे, इसमें जब खोया भरेंगे और फिर उसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे तो सब आपको मम्मी उसमें ग्रीन कलर भी पड़ेगा ना, क्योंकि परवल का कलर तो अभी दिखाते हैं आपको ग्रीन कलर। ये देखिए दोस्तों अभी मैंने मार्केट से ग्रीन कलर मंगाया, मेरे घर में था नहीं, रखा था लेकिन पता नहीं खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा ग्रीन फूड कलर था उसको हमने चाशनी में मिला दिया था, और जो छिले हुए परवल थे उसको भी चाशनी में गिरा दिया था, उसका क्लिप लेना मैं भूल गई थी। तो
ऐसे मैंने सोचा बता दूँ। और चाशनी बिल्कुल गाढ़ा हो गया है क्योंकि गाढ़ा दिखाइए कैसा हुआ। जितना गाढ़ा रहेगा उतना खाने में टेस्टी बनेगा। ये देखिए चाशनी मेरा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और परवल भी लगभग पक चुका है। और सारे परवल को इसमें से निकाल लेंगे, प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दें। ये देखिए दोस्तों ये चाशनी बिल्कुल नीचे बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हमारा परवल पक के तैयार हो गया है और हम गैस को बंद कर दिए हैं। अब सारे परवल को ठंडा होने के लिए रख देंगे प्लेट में निकाल कर। और ये देखिए दोस्तों बस अब सबसे लास्ट स्टेप यानी कि इसकी फिलिंग। तो जो खोया मम्मी ने बनाया था मम्मी इसको फिल कर ले रही हैं। और देखिए हमारा मिठाई बिल्कुल बनके रेडी है एकदम आसानी से। 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार है और बस आप भी बना सकते हैं, ऐसे ही ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों घर पे। बस आधा लीटर दूध का पैकेट ले आइए फटाफट घर में, उसको खौला करके खोआ बनाइए। और परवल घर में सबके घर में है ही, फटाफट बनाइए। इतना स्वादिष्ट इतना टेस्टी और प्योर मिठाई घर में बनके तैयार हो जाएगा आपका। बाय बाय दोस्तों। तो ये दोस्तों बस ये था हमारा कल का वीडियो जहाँ में मम्मी ने मिठाई बनाया था। दोस्तों को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। तो लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने हमें कमेंट किया था इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सबसे पहला कमेंट यहाँ पे है श्रेया दीक्षित का, कीप इट अप श्रुति मिस यू मिमिक्स ऑफ आवर कॉलेज डेज। थैंक यू सो मच श्रेया, और बहुत हम भी बहुत मिस करते हैं, उसके बाद तो कभी मिलना ही नहीं हो पाया। और थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद दूसरा है सुप्रीता झा ने लिखा है, थैंक यू सो मच। फिर मील से मैंने आपका मैसेज है, वाओ दैट्स वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग ब्यूटीफुल गार्डन गुड जॉब, थैंक यू सो मच। इनके चैनल का नाम है थैंक यू। उसके बाद आयुषी ने लिखा है, थैंक यू सो मच आयुषी फॉर योर कॉमेंट। फिर प्रदीप कुमार, प्रदीप सर ने लिखा है 18 प्लांट्स, येस सर देर वॉज 18 प्लांट्स। फिर भाव्या झा मौसी ने लिखा है, थैंक यू सो मच मौसी, थैंक यू सो मच। माधवी झा ने लिखा है, सुपर्ब दीदी, थैंक यू सो मच बबली, थैंक यू सो मच माधवी। कार्तिक अग्रवाल ने लिखा है, ब्यूटीफुल बागवान, थैंक यू सो मच कार्तिक। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कमेंट करने के लिए। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।